नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पंजाब पुलिस ने नशीली दवाइयों के मामले में लगातार दूसरे दिन भी छापेमार कार्यवाही की। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पार्क फार्मास्यूटिकल के अंदर रखी दवाइयों के जखीरे को बरामद करने के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया। उसके बाद मोहिदीनपुर में बने गोदाम से बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। वहीं इस घोरक धंधे में शामिल 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर दबिश दी जा रही है। पार्क फार्मास्यूटिकल का मालिक व गोदाम का इंचार्ज अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसकी तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। हमने पंजाब में 1.5 लाख के करीब गोली पकड़ी थी, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते ये गोली आपके प्रतापगढ़ में जो फैक्ट्री है परतापुर, वहाँ जो फैक्ट्री पर्क है वहाँ की गोली बनी हुई थी। और इन्वेस्टिगेशन करते करते ये बात सामने आई कि ये मेरठ से सीधी लुधियाना जा रही है, फिर कोरियर। तो हमने जो कोरियर करवाता था आदमी वो भी पकड़ लिया। उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद एक के बाद एक और 4 आदमी वहाँ पकड़े। पकड़ने के बाद हम फैक्ट्री पहुँचे। तो जो फैक्ट्री मालिक है वो तो फैक्ट्री रन नहीं कर रहा। तो ये 3 पार्टनर हैं, ट्रैक्टर हैं, इन्होंने फैक्ट्री लीज पे ले रखी, जो कि ड्रग एक्ट के मुताबिक कोई भी फैक्ट्री लीज पे नहीं ले सकती। कोई भी मेडिसिन बनाने से पहले फार्मा की डिग्री हासिल करनी पड़ती है और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप बिना कोई लाइसेंस के ड्रग बना नहीं सकते। तो ये सारी इलीगल थी। तो मेरे साथ ही खड़े हैं असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग और इनकी पूरी टीम, ड्रग इंस्पेक्टर पवन हमारे लुधियाना से संधु ड्रग इंस्पेक्टर आए हुए हैं और हमारे साथ एक पूरी पंजाब पुलिस की पार्टी की SHO टीम और टीम और SHO। तो यहाँ से तकरीबन 47 लाख 43 लैब्स के ऊपर जो ड्रग के साथ संबंधित गोलियाँ थी जो पर्क में बनी हुई है वो हमने कब्जे पे ले लिया है। और जहाँ आप खड़े हो वहाँ ड्रग से रिलेटेड और भी है, लेकिन वो पर्क से संबंधित नहीं है, कहीं और से इन्होंने मंगवा कर रखी हुई। यही लोग वहाँ फैक्ट्री रन करते हैं और अपने नाम पे ही खुद बिल काट के यहाँ माल रखे, यहाँ से अलग अलग ब्लैक में लोगों को दे रहे हैं। आपके मेरठ का भी जो मैंने सैफी नाम का लड़का पकड़ा है वो सिर्फ 4 क्लासेस पास है। तो ये ऐसे लोगों को ड्रग बांटते हैं पंजाब, राजस्थान और अलग अलग हिस्सों में। तो जो इस ड्रग से हमारे पंजाब में तो काफ़ी ट्रेजिडी भी हो चुकी है, तो इसीलिए ड्रग हम लेके जा रहे हैं, ड्रग मनी भी सीज करेंगे और इन लोगों को ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, इनको भी रहेंगे। सर, ये किस तरह की ड्रग्स है और किस पर्पज़ से बनाई जाती है और यूज़ क्या हो रहा है? ये ड्रग बेसिकली चेन किलर है। सर्जरी के टाइम ये ड्रग यूज आती है। जब डॉक्टरों ने सर्जरी करनी हो या स्पीयर पेन हो तो उस वक्त पेशेंट को दी जाती है। लेकिन ये लोग नशे के लिए मिस यूज करते हैं और ये लोग उन नशा करने वालों को सप्लाई करते हैं। टोटल अरेस्टिंग कितनी है सर यहाँ से? टोटल अरेस्टिंग यहाँ से 4 हो चुकी हैं और 3 लोग अभी भी बाकी हैं। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ और लोग भी सामने आए। तो जैसे आपने पर्क पे सर रेड की है, इसके अलावा क्या लगता है और भी फैक्ट्री सर इसमें हो सकती है? जो बिल्कुल हो सकती है, ये तो बात सामने आएगी तो ही बता पाऊँगा। पता नहीं कितनी फैक्ट्री होंगी, कितने लोग काम करते होंगे। जैसे जैसे कोई सामने आएगा इन्वेस्टिगेशन में, हम इन्वेस्टिगेशन के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन ये लगता है सर कोई गोरख धंधा है कि लाइसेंस ले लेते हैं सर ये पेन किलर बनाने के नाम पे और फिर यूज इसका? ये गोरख धंधा तो है ही है, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। जी, आप मेरी बात नहीं समझे। जी, इनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं है फिर भी बना रहे हैं, बिना लाइसेंस के बना रहे हैं। लाइसेंस वाला तो बनाए, बिना लाइसेंस के बना। तो अभी फरार कितने लोग हैं सर यहाँ से? अभी तक मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 3 लोग फरार हैं। इन्वेस्टिगेशन के बीच में कोई और लोग भी बीच में आ जाए तो वो बात की बात है, लेकिन अभी तक 3 लोग हैं। ओनर में तो कोई अरेस्टिंग है सर? ओनर ही, ओनर की बात ही कर रहा हूँ।
ऑनर की बात कर, मैंने किसी लेबर को अरेस्ट नहीं किया, किसी गरीब आदमी के ऊपर मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, जो हमने सभी को। दो दिन से छापे की कार्रवाई चल रही है, क्या अब तक इसमें बरामद की हुई है कितने? ऐसे छापेमारी कार्रवाई जो चल रही है, कुछ औषधियाँ जो हैं पंजाब पुलिस के द्वारा पंजाब में पकड़ी गई थी लुधियाने में, जहाँ पे उन्होंने बिल वाउचर ढूंढा, बिल वाउचर नहीं मिला, लेकिन जो दवाएं मिली थी उन दवाओं पे लेबल पे प्रिंट पे पर्क फार्मास्यूटिकल मेरठ का नाम पता अंकित था, प्रिंट था, उसके आधार पर ढूंढते हुए वो आए यहाँ प्रशासन में, पुलिस को हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग फिर ज्वाइंट हुए, ज्वाइंट होकर के ज्वाइंट रेड किया गया फार्मास्यूटिकल कंपनी में पर्क में, वहाँ पहुँचने पर ही वहाँ पर मौजूद केमिस्ट मिला, प्रोप्राइटर जो मेन मालिक वो भी नहीं मिले, और बाकी तो लाइसेंस और जो मेडिसिन बनाई बनती उनको परमिशन वहाँ पे थे, लेकिन कुछ पेपर्स उनके पास मौके पे दिखाए गए, कुछ नहीं दिखा पाए गए, तो इसके लिए हम लोग उसका विवेचना के लिए पेपर कलेक्ट कर लिए हैं, और वहाँ से मौके पे संदिग्ध 10 औषधियों की दवाएँ ली गई, एकत्र की गई जाँच के लिए, और NCB पंजाब पुलिस द्वारा NDPS एक्ट में कार्रवाई की जानी है, और हम लोग ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। तो ड्रग एक्ट के तहत हमारे द्वारा नमूने ले लिए गए, एकत्र कर दिए गए, और NCB पंजाब पुलिस ये NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ से कुछ मेडिसिन सीज किए, और सीज करने के बाद ये अपना नियमानुसार अपने ज्यूरिडिक्शन पंजाब में कार्रवाई करने के लिए बता रहे हैं, और कुछ प्रोडक्ट ले भी जाएंगे वो अग्रिम कार्रवाई हेतु। कितना माल अब तक यहाँ बरामद हुआ है सर? अभी माल की काउंटिंग चल रही है, कुछ तो हम मिला है, फिर कुछ करके उसको अभी हम फाइनल कंप्लीट करने के बाद बता रहे हैं। अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट कुछ तो टैबलेट्स में हैं, वो टैबलेट्स हैं आपको दर्द के लिए आती हैं, और ज़्यादा लेने पर नशे का भी काम करती हैं, तो उसका दुरुपयोग मिसयूज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बैंड भी लगाई है, लेकिन हमारे यहाँ तो कंट्रोल पर है, लेकिन पंजाब में बैंड है वो। पंजाब अंडर NRX आने वाली मुख्यतः कौन कौन सी दवाएं हैं? अंडर NRX आने के लिए जितनी भी ट्रंकुलाइजर्स मेडिसिन हैं तो NRX में वो आती हैं, और कुछ शेड्यूल H1 में, एच में थी, फिर उसको H1 में डाल दिया गया कि जो भी दवाएं आप खरीदोगे बेचोगे उसको कंट्रोल रखेंगे, बिल से बेचेंगे और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जाएंगे, उसका हिसाब किताब बराबर आपको रखना है। इसमें हाईली पेन किलर्स भी हैं? हाँ, हाईली पेन किलर्स। सर ये जो अभी ये भी सामने आई है बात कि बिना कागजों के सर ये स्कूलों के और उसके बाहर भी ये दवाई बिक रही थी सर? नहीं नहीं, अब यहाँ से कोई सूरत नहीं, मेडिसिन यहाँ पे बनाई जाती थी, उसके लिए बकायदे यहाँ पे लाइसेंस है, और लाइसेंस लेने के बाद अब यहाँ से बेचा पंजाब में मेडिसिन कैसे गई, किस तरह गई, वहाँ पर बिल नहीं मिल पाई, लेकिन मेडिसिन तो गई, मेडिसिन किसी ने बनाया, लेकिन नाम पता इनका अंकित था, इस बेस पे कार्रवाई की जा रही है, और विवेचना करके जो कल्पित होगा उसके ऊपर कार्रवाई हम लोगों के स्तर से भी की जाएगी, और वो लोग भी करेंगे। कितने लाख का माल अब तक लगभग बरामद हुआ है सर? अब अप्रोक्सीमेटली तो एग्जैक्ट बता पाना संभव नहीं, मैं अभी 10 मिनट देख के बात कर पाऊँगा इसको। हाँ।